नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एम जी ओ वी लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे देश में मुख्यतः भारत को या फिर भारत के बाहर भी भारत को तीन नामों से जाना जाता है। एक तो भारत, दूसरा हिंदुस्तान और तीसरा इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, और किसी दूसरी वीडियोस में अन्य वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में और ब्रीफ में समझना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो शुरू करता हूं। इसके लिए हमें ऋग्वैदिक काल में जाना पड़ेगा। आप सभी जानते हो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक आरंभिक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। हमें ऋग्वेद में ये मिलता है कि उस टाइम में ज़्यादा ऋग्वैदिक जो पीरियड था, ऋग्वैदिक काल में ज़्यादा बड़ा राजा नहीं हुआ करता था। उस टाइम में राजा की ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक राजा का वर्णन है, एक राजा का नाम ऋग्वेद में मेंशन है, जिसका नाम है सुदास, और वो थे भरत कुल के राजा। भरत कुल एक जगह का नाम था, वहाँ के वो राजा थे जिनका नाम था सुदास। और सुदास को सहयोग करने के लिए, यानी उस राजा को सहयोग करने के लिए एक अधिकारी था जिसका नाम था पुरोहित। ये आदमी का नाम नहीं था, एक अधिकारी का नाम था पुरोहित। और भरत कुल के जो राजा थे सुदास, उसके पुरोहित थे विश्वामित्र। और विश्वामित्र थोड़ा गुस्सैल व्यक्ति थे, वो उनको ज़्यादा गुस्सा आता था किसी भी चीज़ों पर, उनको जल्दी से जल्दी गुस्सा आने लगता था। तो सुदास उसको हटा देते हैं पुरोहित के पद से, अपने अधिकारी के पद से उसे हटा देते हैं और उसकी जगह वशिष्ठ को रख लेते हैं, वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लेते हैं। तो विश्वामित्र को गुस्सा आता है ये देखकर कि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लेते हैं और मुझे हटा दिया। विश्वामित्र को ये देखा नहीं जाता, और विश्वामित्र उस एरिया के जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जो कि जमींदार थे या फिर ज़्यादा पैसे वाले थे, जिसकी लोग ज़्यादा अहमियत देते थे, उस 10 राजाओं से मिलकर सुदास के खिलाफ युद्ध कर देता है, जिसे हम 10 रागी युद्ध भी कहते हैं। और ये रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसे ऋग्वेद में मेंशन है परुष्णी नदी। और इस युद्ध में सुदास उस सभी 10 राजाओं को हरा कर भरत कुल के राजा सुदास जो थे वो जीत जाते हैं और विजय हो जाते हैं। और विश्वामित्र 10 राजा के सहयोग से भी इस युद्ध को नहीं जीत पाता है, और भरत कुल के राजा सुदास इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो भरत कुल के राजा सुदास इस युद्ध को जीतते हैं, लेकिन वो थे भरत कुल के, भरत कुल एक जगह था, तो भरत कुल के नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ता है। तो ये एक स्टोरी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको भारत का नाम भारत कैसे पड़ा ये बताने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो उसको लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।